हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी का नाम है स्पिरिटेड। इस मूवी में हमें तीन गोस्ट यानी भूत बताए गए हैं। एक भूत है पास्ट का, जो लोगों को उनका पास्ट दिखाकर डराती है, जिसका नाम बॉनी है। एक भूत है प्रेजेंट का, जो उनकी प्रेजेंट की गलतियां दिखाकर उन्हें डराता है। और तीसरा है फ्यूचर का, जो फ्यूचर दिखा के उन्हें डराता है। ये तीनों भी भूत किसी जमाने में इंसान ही हुआ करते थे, और उनकी मौत के बाद अब ये भूत बन गए थे। अब इनका काम ये है कि क्रिसमस के दौरान जो इविल यानी बुरे इंसान है, उन्हें उनकी गलतियां दिखाकर हॉन्ट करते हुए सुधारना। इन तीनों भूतों का काम अगर पूरा होता है तो ये लोग वापस इंसान बन सकते हैं। मूवी की शुरुआत एक कब्रिस्तान से होती है, जहाँ पे हमें केरेन नाम के एक लड़की दिखाई जाती है। और तभी वहाँ पे फ्यूचर का क्रिसमस गोस्ट आता है, जो केरेन को उसका फ्यूचर दिखाता है, यानी उसकी होने वाली कब्र दिखाता है। अब ये देख के केरेन काफी डर जाती है और कहती है, मैं अब से लोगों पर नहीं चीखूंगी, बच्चों को भी डांटना बंद कर दूंगी, लेकिन मुझे मरना नहीं है। और ये कहते हुए केरेन जमीन के अंदर चली जाती है, जिसके बाद वहाँ पे पास्ट का भूत यानी बॉनी और प्रेजेंट का भूत यानी प्रेजेंट वहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे केरेन को उसकी गलती का एहसास हुआ था, यानी वो बदल गई थी, इसीलिए उसे एक और चांस दिया जाता है। जिसके बाद सीन केरेन पर आता है, और आज क्रिसमस का दिन रहता है। इधर केरेन अपने घर के बाहर आती है कि तभी उसे एक छोटी लड़की अपने साथ खेलने के लिए बुलाती है। और फिर केरेन, जिसकी अक्सर आदत होती है लोगों पर चीखना चिल्लाना, वो अब पूरी शांत हो चुकी थी और बच्चों पर ना चीखते हुए उनके साथ खेलने लग जाती है। पर अचानक से वहाँ पे सब कुछ फ्रीज हो जाता है, और वहाँ पे क्रिसमस के तीनों भी भूत अपने पूरे टीम के साथ आते हैं, जो कि केरेन का नया बदला हुआ रूप को देख काफी खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि इन गोस्ट का काम ये है कि इन्हें हर साल क्रिसमस के समय किसी भी एक बुरे इंसान को एक अच्छे इंसान में बदलना है। इसी दरमियान इन भूतों के ऑफिस में मार्गो नाम की एक लड़की आकर प्रेजेंट से कहती है कि आपको अभी रिटायर्ड होकर अर्थ पे नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। प्रेजेंट तो इसके लिए राजी था, लेकिन तभी प्रेजेंट का बॉस जेकब वहाँ आता है, और वो कहता है कि उसे आखिरी एक असाइनमेंट करनी है, जिसके बाद वो अर्थ पे जा सकता है। जिसके बाद ये सभी एक होटल में जाते हैं, जहाँ पे इन्हें कोई भी नहीं देख पाता। और तभी इन्हें होटल का मैनेजर मिलता है, जो कि अपने स्टाफ के साथ काफी बुरी तरीके से बर्ताव कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे क्लिंट नाम का एक आदमी गुजरता है, जिसकी खुद की मीडिया कंपनी भी थी। प्रेजेंट देखता है कि क्लिंट की फोन पे किसी के साथ बड़ी बहस हो रही है, इसीलिए वो उसके पीछे जाने लगता है। इधर क्लिंट एक इवेंट में आता है, जहाँ पे काफी सारे बिजनेसमैन होते हैं। क्लिंट फिर इन सभी लोगों से कहता है कि आजकल लोग क्रिसमस में प्लास्टिक के पौधों का इस्तेमाल करने लगे हैं, ना कि असली क्रिसमस पेड़ों का, और इसीलिए आप लोगों के सेल्स नीचे गिरते जा रहे हैं। अब इधर प्रेजेंट भूत भी क्लिंट की बातों को सुन रहा होता है, और फिर वो क्लिंट की सारी जानकारी निकलवाता है। अब प्रेजेंट को यहाँ पे दो चीजें समझ आती है, एक ये कि क्लिंट काफी अमीर बना है, लेकिन लोगों को लूटते हुए, लोगों के छोटे छोटे बिजनेस बर्बाद करके उन्हें फंसा कर पैसे कमाता था। दूसरी बात ये थी, क्लिंट की एक बहन भी थी, जिसका नाम था कैरी, जो कि 5 साल पहले इस दुनिया से चली गई थी। कैरी की एक छोटी बेटी थी, जिसका नाम था रेन, जिसे संभालने की जिम्मेदारी क्लिंट की थी, लेकिन अपने जिम्मेदारी से भागकर उसने ये काम अपने छोटे भाई ओवेन को दिया था। और अब ये जानने के बाद प्रेजेंट क्लिंट को बदलने का फैसला करता है। सबसे पहले प्रेजेंट जाकर जेकब को क्लिंट के बारे में बताता है, और तभी जेकब प्रेजेंट को क्लिंट की फाइल देता है, जिस पर अनरिडीमेबल लिखा था, यानी कि क्लिंट को बदला नहीं जा सकता, उसके पापों का घड़ा भर गया है। लेकिन तभी प्रेजेंट भूत कहता है कि मैं क्लीन को बदल के ही रहूंगा। अब इसके बाद प्रेजेंट भूत की जो पूरी टीम रहती है, वो क्लीन पर पूरे 1 साल तक नजर रखी थी। और देखते ही देखते वापस से दिसंबर का महीना आता है। अब एक दिन क्लिंट अपने ऑफिस में होता है कि तभी वहाँ पे क्लिंट से मिलने के लिए उसका भाई ओवेन और रेन आते हैं। यहाँ पे रेन क्लिंट से पूछती है कि मैं स्कूल काउंसिल की प्रेसिडेंट बनने के लिए इलेक्शन लड़ रही हूँ, लेकिन मेरे सामने जॉश नाम का काफी मशहूर लड़का भी है, और सभी उसे ही वोट देंगे, और मुझे उसे किसी भी हालत में हराना है। फिर क्लिंट कहता है, जॉश ने कभी ना कभी कोई गलती तो की होगी, हम वही गलती लोगों के सामने लाएंगे और उसे ब्लैकमेल करेंगे। यहाँ पे क्लिंट की सेक्रेटरी किम्बरली को जॉश का एक वीडियो मिलता है, जिसमें वो होमलेस लोगों को बुरा भला कह रहा होता है, और अब यही वीडियो ये लोग स्कूल में दिखाने वाले थे, ताकि रेन ही प्रेसिडेंट बने। किम्बरली को ये काम पसंद नहीं आता, फिर भी वो क्लिंट को उसका वीडियो दे देती है।
और क्लिंट ये वीडियो रेन को दे देता है। यहाँ पे किम्बरली पछतावे में कहने लगती है कि मैं बहुत ही बुरी इंसान हूँ। तभी वहाँ पर प्रेजेंट भी खड़ा होता है और वो किम्बरली से कहता है तुम बुरी इंसान नहीं हो। लेकिन किम्बरली ये सुन लेती है और वो प्रेजेंट से पूछती है तुम कौन हो और यहाँ पे कैसे आए। पर ये देख प्रेजेंट काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे बोनी भी खड़ी होती है, लेकिन किम्बरली सिर्फ प्रेजेंट को ही देख पा रही थी। अब यहाँ पे प्रेजेंट किम्बरली से कहता है कि मेरा नाम रॉबर्टो है और मैं यहाँ पे क्लिंट को बदलने के लिए आया हूँ, जिसे सुनकर किम्बरली हंस देती है और वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो इम्पॉसिबल काम था। अब वही दूसरी तरफ क्लिंट अपने घर में होता है कि तभी वहाँ पे एक भूत आता है जो कि क्लिंट से कहता है तुमसे क्रिसमस का भूत मिलने के लिए आने वाला है और आज तुम्हारा सामना तुम्हारे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर से होगा। पर क्लिंट को लगता है कि ये सब कुछ एक बुरा सपना है, जिसके बाद वहाँ पे पास्ट का भूत यानी बॉनी आती है जो क्लिंट से कहती है कि मैं पास्ट की क्रिसमस भूत हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारे पास्ट में लेकर जाने के लिए आई हूँ। पर वही क्लिंट को बॉनी पसंद आ जाती है, पास्ट में चला जाता है। पर फिर बॉनी वापस आती है और प्रेजेंट से कहती है मैं उसे उसके अतीत में तो लेके गई थी लेकिन उसे बदल नहीं पाई क्योंकि वो मेरे साथ सिर्फ फ्लर्ट ही कर रहा था। इसके बाद प्रेजेंट क्लिंट के बचपन में चला जाता है और क्लिंट से कहता है कि मैं प्रेजेंट का क्रिसमस भूत हूँ और अब मैं तुम्हें तुम्हारे पास्ट और प्रेजेंट दिखाकर बदलना चाहता हूँ। पर क्लिंट को अभी भी ये एक बुरा सपना लग रहा होता है, इसीलिए वो काफी हंसता है। लेकिन तभी वहाँ पर क्लिंट को अपनी माँ, अपनी बहन कैरी और छोटा क्लिंट दिखाई देता है। यहाँ पे क्लिंट की माँ क्लिंट से झूठ कहती है, उसका बर्थडे होता है और वो उसे कहती है कि मैं दरअसल तुम्हारे लिए एक डॉग लेकर आई थी जैसे तुम्हें चाहिए था, पर वो डॉग कहीं पे भाग गया, जिसे सुनकर छोटा क्लिंट घर से बाहर अपने डॉग को ढूंढने के लिए चला जाता है। अब यहाँ पे बड़ा वाला क्लिंट ये सब कुछ देख रहा होता है और फिर वो प्रेजेंट से कहता है कि मुझे ये दिन याद है और इसी दिन के बाद मैं एक बुरा इंसान बन गया था क्योंकि मुझे काफी बुरा लगा था। जिसके बाद प्रेजेंट क्लिंट को पास्ट की एक पार्टी में लेकर जाता है जहाँ पे हम यंग क्लिंट को देखते हैं और तभी यंग क्लिंट की मुलाकात नोरा नाम के एक लड़की से होती है और फिर ये दोनों भी डेट करने लगते हैं। जिसके बाद प्रेजेंट क्लिंट को अब एक मॉल में लेकर जाता है जहाँ पे यंग क्लिंट, उसकी गर्लफ्रेंड नोरा, क्लिंट की माँ और उसकी बहन कैरी भी होते हैं। यहाँ पे कैरी सबको एक गुड न्यूज देती है कि वो जल्दी ही माँ बनने वाली है, पर ये सुनकर यंग क्लिंट कहता है कि तुम एक अच्छी माँ नहीं बन सकती। पर नोरा को क्लिंट का ऐसा बर्ताव पसंद नहीं आता और इसी के कारण नोरा क्लिंट से ब्रेकअप करके चली जाती है। अब इसके बाद प्रेजेंट क्लिंट को एक दूसरा इंसिडेंट दिखाता है अतीत से, जहाँ पर एक रूम में यंग क्लिंट अपने बॉस के साथ होता है और टीवी पर ये लोग एक औरत की न्यूज देख रहे होते हैं। दरअसल इस औरत को क्लिंट ने ही गलत आरोप लगाकर फंसा दिया था, यानी यहाँ पे क्लिंट के सारे गलत काम प्रेजेंट उसके सामने दिखा रहा था ताकि उसे एहसास हो कि वो जिंदगी कैसे जी रहा था। लेकिन अपनी सारी गलतियाँ देखकर क्लिंट प्रेजेंट को ये सब कुछ रोकने के लिए कहता है और क्लिंट उससे पूछता है कि तुम आखिरकार हो कौन, जिस पर प्रेजेंट कहता है मैं भी पहले एक इंसान था लेकिन मरने के बाद मुझे एक काम दिया गया था और मैं उस काम के चलते क्रिसमस का एक भूत बन गया। अब यहाँ पे अतीत में हम देखते हैं यंग क्लिंट जो होता है उसका बॉस उस पर काफी गुस्सा होता है, इसीलिए वो यंग क्लिंट को नौकरी से निकाल देता है और फिर क्लिंट जाकर किम्बरली के साथ मिलकर अपनी खुद की कंपनी शुरू करता है। इसके बाद प्रेजेंट यानी भूत क्लिंट को उसी दिन पर लेकर आता है जब किम्बरली ने जॉश का वीडियो ढूंढ कर क्लिंट को दिया था और यहाँ प्रेजेंट क्लिंट को समझाने की कोशिश करता है कि किम्बरली क्लिंट के लिए काम करके खुश नहीं है। धीरे धीरे क्लिंट को एहसास होने लगता है कि उसने कितनी गलतियाँ की है। अब इसके बाद क्लिंट की सबसे बड़ी गलती प्रेजेंट उसे दिखाता है जहाँ पे उसकी बहन कैरी डेथ बेड पे थी और यंग क्लिंट उससे मिलने आया था। अब यहाँ पे मेन क्लिंट को पता था आगे क्या होने वाला है, इसीलिए वो इस इवेंट को देख ही नहीं पाता और भूतों के ऑफिस में दौड़ते हुए आता है जहाँ पे क्लिंट प्रेजेंट के ऑफिस में जाता है, पर तभी प्रेजेंट भी वहाँ पे आ जाता है। क्लिंट प्रेजेंट को अपनी फाइल दिखाते हुए कहता है ये देखो मैंने इतने सारे पाप किए हैं, मुझे तुम बदल नहीं सकते। पर प्रेजेंट फिर क्लिंट को 19th सेंचुरी में लेके जाता है जहाँ पे हम प्रेजेंट के तब के रूप को देखते हैं जब वो जिंदा था यानी इंसान था और प्रेजेंट उसके समय में काफी बुरा इंसान हुआ करता था। और ये दिखाकर प्रेजेंट क्लिंट से कहता है कि तुम भी मेरी तरह बदल सकते हो।
और तभी वहाँ पे प्रेजेंट का बॉस जेकब आता है और प्रेजेंट से कहता है अगर तुम्हें रिटायर्ड नहीं होना है तो तुम्हें क्लिंट को वही चीजें दिखानी होगी जो कि स्क्रिप्ट में लिखी है, तुम उसे ऐसे ऑफिस में नहीं लेके आ सकते। अब डांट खाने के बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और जब क्लिंट की आँख खुलती है वो अपने आप को खुद के घर में पाता है और आज उसके घर में क्रिसमस की पार्टी होती है। इधर प्रेजेंट क्लिंट के घर आता है और वो क्लिंट को उसके घर से उठाकर लेकर जाता है पर हवा में उड़कर दोनों वापस क्लिंट के घर पे ही आते हैं। पर अब इन दोनों को कोई भी नहीं देख सकता था क्योंकि प्रेजेंट क्लिंट को उसकी सच्चाई दिखाना चाहता था। और यहाँ पे क्लिंट अपने दोस्तों की बातें सुनता है, यहाँ पे क्लिंट के दोस्त क्लिंट का मजाक बना रहे थे। अब थोड़े समय के बाद वहाँ पे किम्बरली आती है और वो प्रेजेंट के साथ बात करने लगती है और ये देख कर क्लिंट समझ जाता है कि प्रेजेंट किम्बरली को पसंद करता है और इसीलिए प्रेजेंट ने जानबूझकर अपने आप को किम्बरली के सामने लाया था। जिसके बाद प्रेजेंट क्लिंट को एक जगह पर लेके आता है जहाँ पे जॉर्ज अपने पिता के साथ होमलेस लोगों को खाना खिला रहा था। अब ये लोग इसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पे डाल देते हैं। प्रेजेंट फिर क्लिंट को रेन और ओवन के पास लेकर आता है जहाँ पे रेन जॉर्ज का वही पुराना वीडियो जहाँ पे वो होमलेस लोगों को बुरा भला कह रहा था वो वीडियो इंटरनेट पे डाल देती है और ये बुरा वाला वीडियो वायरल भी हो जाता है। और ये देख क्लिंट प्रेजेंट से कहता है जॉर्ज ने उस समय कुछ गलत चीजें की थी होमलेस लोगों को बुरा भला कह के और अब उसे उसकी सजा मिल गई है। जिस पर प्रेजेंट कहता है जॉर्ज ने वो वीडियो तब बनाया था जब वो 11 साल का था, वो तभी ना समझ था इसीलिए वो सजा का हकदार नहीं है। इसके बाद प्रेजेंट क्लिंट को वापस से उसी मेमोरी में लेके जाता है जहाँ पे उसकी बहन डेथ बेड पे थी और मरने से पहले उसने क्लिंट को उसकी बेटी रेन का ख्याल रखने के लिए कहा था। पर यंग क्लिंट अपनी जगह पे ये काम ओवेन को देकर चला जाता है। ये देखकर बड़े वाले क्लिंट को काफी बुरा लगता है कि उसके बहन ने उसे आखिरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी और वो भी वो पूरा नहीं कर पाया। और तभी प्रेजेंट क्लिंट से कहता है कि मेरा काम अब यहाँ पे पूरा हुआ है, दरअसल तुम सुधर गए हो और अब फ्यूचर का भूत तुम्हारे पास आएगा। और तभी वहाँ पे प्रेजेंट को लेके जाने के लिए जेकब आता है पर क्लिंट जेकब से कहता है कि प्रेजेंट को अब रिटायर हो जाना चाहिए। अब जेकब भी रिटायरमेंट की बात मान जाता है और उसे फाइनल गुड बाय करता है और एक अच्छा फेयरवेल देता है। जिसके बाद फिर जेकब प्रेजेंट को एक गाड़ी देता है और कहता है इसे लेते हुए तुम रिटायर होकर अर्थ पर चले जाओगे। प्रेजेंट फिर इस गाड़ी को ले लेता है जिसके बाद सीन कट होकर क्लिंट के घर पर आता है। इधर क्लिंट और प्रेजेंट तैयार होकर क्रिसमस पार्टी में जाते हैं जहाँ पे प्रेजेंट फिर किम्बरली के साथ डेट पर चला जाता है। वही हम फ्यूचर के भूत को देखते हैं और वो क्लिंट को फ्यूचर में लेकर जाता है जहाँ पे क्लिंट देखता है जो जॉर्ज था उसका वीडियो वायरल होने के कारण उसकी काफी बदनामी होती है और वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और खुद की जिंदगी ले लेता है। ये देख के क्लिंट पूरा कांपने लगता है कि उसके एक गलती के कारण क्या क्या हो सकता है। वो वहां से भागता है लेकिन फ्यूचर का भूत आकर उसे रोकता है। जिसके बाद क्लिंट अपने बुजुर्ग रूप को देखता है जो कि हार्ट अटैक से मरने जाता है। फिर फ्यूचर का भूत क्लिंट को वापस अर्थ पे लेके जाता है। अब अपने अपार्टमेंट में आते ही क्लिंट सबसे पहले प्रेजेंट के पास जाता है और कहता है हमें कैसे भी रेन को रोकना होगा वो वीडियो इंटरनेट पे डालने से। और दोनों भी भागते हुए जाते हैं लेकिन तभी वहाँ पे किम्बरली आती है जो क्लिंट के ऊपर गिर जाती है। इधर रेन वो वीडियो इंटरनेट पे डालने वाली होती है लेकिन तभी खुद ब खुद अपना मन बदल लेती है और वो रुक जाती है और ये देख कर क्लिंट काफी खुश हो जाता है। इधर प्रेजेंट क्लिंट से कहता है कि तुम अब पूरी तरीके से बदल चुके हो, तो क्लिंट कहता है मैं अभी भी वैसा ही हूँ। लेकिन प्रेजेंट को ये चीज पसंद नहीं आती और वो वहाँ से चला जाता है, जिसे मनाने के लिए क्लिंट उसके पीछे जाता है। इधर प्रेजेंट एक बस के सामने आ जाता है पर तभी क्लिंट आकर प्रेजेंट को बस के सामने से हटाकर धक्का देता है और खुद बस के सामने जाता है, यानी दूसरों की जान बचाने के लिए वो खुद की जिंदगी भी मुसीबत में डाल सकता था। और तभी टाइम फ्रीज हो जाता है और फिर वहाँ पे सभी भूत आते हैं। प्रेजेंट क्लिंट से कहता है कि तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला था, यानी कि तुम अब बदल चुके हो। जिसके बाद समय वापस शुरू होता है और क्लिंट की बस से टक्कर हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इधर क्लिंट की आत्मा बाहर आती है जिसे प्रेजेंट देख नहीं सकता और तभी वहाँ जेकब आता है और क्लिंट से कहता है तुम्हारा पृथ्वी पर समय खत्म हुआ। और फिर वहाँ पे कैरी की आत्मा आती है और क्लिंट को अपने साथ लेकर जाती है। जिसके बाद सीन कट होता है और हम क्लिंट को अब प्रेजेंट का भूत बनकर काम करते हुए देखते हैं और क्लिंट ने कैरी को भी अपने टीम में शामिल कर लिया था। और वही मूवी के आखिरी सीन में क्लिंट प्रेजेंट से मिलने पृथ्वी पर आता है
है जो कि अब किम्बरली के साथ और अपने बच्चों के साथ रह रहा था, और इसी के साथ मूवी खत्म होती है।